कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के खिलाफ लोकायुक्त को शिकायत की। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा सहित अन्य नेताओं ने लोकायुक्त एन के गुप्ता से मिलकर मुख्य सचिव की शिकायत दर्ज कराई। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर है जब नेता मुख्य सचिव के खिलाफ मामला दर्ज करवाने लोकायुक्त के पास पहुंचे। एमपी के मुख्य सचिव इकबाल सिंह पर करप्शन के आरोप लगे हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि यह मध्य प्रदेश के इतिहास का बेहद दुखद प्रसंग है। इससे पहले कभी प्रदेश में ऐसा दिन नहीं आया जब प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ लिखित में भ्रष्टाचार की शिकायत की गई हो। विवेक तनखा ने कहा कि जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी और शिवराज सरकार आई तो दूसरे ही दिन मुख्य सचिव के तौर पर इकबाल सिंह बैंस की वापसी हुई। उसके बाद आजीविका मिशन के सीईओ ललित मोहन बेलवाल भी वापस आ गए। विवेक तनखा ने मध्य प्रदेश अकाउंटिंग जनरल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसमें 500 करोड़ का घपला बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद ललित मोहन बेलवाल को सीईओ पद पर कंटिन्यू किया गया। कमलनाथ जी की सरकार जाती है, शिवराज जी की सरकार आती है, एक दिन बाद इकबाल सिंह जी चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं, कुछ दिन बाद बेलवाल साहब आ जाते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट, रिटायर्ड फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, उनकी बहुत आवश्यकता थी उनको। अब ये बात खुली कैसे? मध्य प्रदेश अकाउंटेंट जनरल की जो रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, और आज वो रिपोर्ट हमने लोकायुक्त साहब के सामने उसके एक्सट्रैक्ट्स रखे, उस रिपोर्ट में 500 करोड़ का घपला प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बताया गया। कैसे प्रोडक्शन फेक किया गया, कैसे ट्रांसपोर्टेशन फेक किया गया, बेलवाल साहब को कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट आज तक हर साल कंटिन्यू किया जा रहा है। जिस आदमी के कार्यकाल में 500 करोड़ की अगर डैमनिंग रिपोर्ट है एजी की, क्या उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो? बस सीईओ आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। कांग्रेस नेता तनखा ने कहा कि इतने घोटाले के बावजूद उन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है और उन्हें मुख्य सचिव का संरक्षण है। विवेक तनखा ने इसे मध्य प्रदेश के लिए दुखद प्रसंग बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई बार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन इसे उठाने नहीं दिया गया। विवेक तनखा ने कहा कि हमने अपनी शिकायत लोकायुक्त को की है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। और एजी की रिपोर्ट पे ये, और ये पीरियड है 2018 से 21 का, जिसमें एजी ने 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑडिट और करप्शन के बारे में सैंपलिंग की थी और कहा था कि अब स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसकी जांच कराएं, अब स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है कि इसको इंडिपेंडेंट विजिलेंस इंक्वायरी के लिए भेजें। मगर हमारे जानकारी में लोकायुक्त साहब के सामने ऐसा कोई विजिलेंस इंक्वायरी के लिए ऐसा कोई कंप्लेंट ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे नहीं भेजी गई। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।